गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना साइंस का लेसन चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने साइंस के 2 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें जो लेसन 2 था उसके मैंने आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर और पिक्चर ड्रॉ करने के लिए दी थी नोटबुक में। आई होप आप सब ने वो काम कंप्लीट कर लिया होगा अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो आज हम लेसन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कि इस लेसन में हम किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हैबिटेट्स के बारे में। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का? एनिमल्स वर्ल्ड। ठीक है, एनिमल्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, कैसे खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी बॉडी कैसे होती है, सांस कैसे लेते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह चलते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाते हैं, हम सब कुछ पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर उनके बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या है एनिमल्स हैबिटेट। सबसे पहले उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हैबिटेट क्या होता है? घर उनका। जैसे हम सबका घर होता है कि हम किस तरह के घर में रहते हैं, उसी तरह एनिमल्स का भी घर होता है कि वो किस तरह की जगह में रहते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, मैक्सिमम फॉरेस्ट में रहते हैं एनिमल्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स होंगे जो डेजर्ट के लिए बने होते हैं, डेजर्ट में रह पाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं पोलर रीजन, मतलब जो बिल्कुल ठंडी जगहों में रहते हैं, ठीक है, वहाँ भी जानवर पाए जाते हैं। कुछ होते हैं ओशन के, मतलब पानी में रहने वाले जानवर, ठीक है, कुछ होते हैं फ्रेश वाटर, मतलब साफ पानी में रहने वाले। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी किस किस चीज़ से बनी होती है, कैसी कैसी बनी होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे स्नेक्स हो गए, ये सब हो गए, इनकी बॉडी स्केल से बनी होती है। स्केल्स का मतलब नापने वाला स्केल नहीं, एक तरह का डिज़ाइन है ये, ठीक है, उसको कहा जाता है। कुछ की बॉडी शेल जैसी होती है, ऊपर जो कवच होता है एक, ठीक है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि इनसे क्या क्या इनको फ़ायदे होते हैं। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे इस लेसन में हम, और क्या इनके फैदर्स कैसे होते हैं, इनकी बॉडी पे जो बाल होते हैं वो किस तरह के होते हैं, पंख किस तरह के होते हैं, ठीक है, ये सब भी हम पढ़ेंगे इस लेसन में। इनकी खाल किस तरह की होती है, सब कुछ ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स, कि इनके सांस लेने के तरीके कैसे कैसे हैं। जैसे हम लोग अपनी नोज, अपने लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं, और ये बाकी जानवर किस तरह से सांस लेते हैं हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, ये अपनी बॉडी से सांस लेते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स हमारे यार आपकी जैसे सांस लेते हैं, कुछ अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, कुछ के अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं तो वो किस तरह से सांस ले पाते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ईटिंग हैबिट्स मतलब कि किस तरह का खाना खाते हैं जानवर। हमने आप सभी को पता ही होगा कि एनिमल्स 3 तरह के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो कि घास खाते हैं, ठीक है, कार्निवोरस जो कि मांस खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों चीज खाते हैं, ठीक है, ठीक है, कार्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस हो गया, जो कि दोनों चीज खाते हैं जानवर। उसके बाद पढ़ेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स, कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह चलते हैं, क्या चीज़ की वजह से वो चल पाते हैं, जैसे कि आप और हम अपने पैरों की वजह से चल पाते हैं, ठीक है, सभी के तो पैर नहीं होते सभी जानवरों के, ठीक है, आपने देखा होगा स्नेक के पैर होते हैं कभी? नहीं होते, ठीक है, मछलियों के पैर होते हैं? नहीं होते हैं, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं चलने के लिए। ठीक है, उन सब चीज़ के बारे में हम इसमें इस लेसन में पढ़ेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो स्विम करते हैं, वो तैरते हैं, ठीक है, बर्ड्स उड़ती हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, मतलब वो होते हैं जो कि जमीन पे भी चल सकते हैं और पानी में भी, ठीक है, ये रेंगने वाले होते हैं, जैसे कि लिजर्ड, छिपकली, क्रोकोडाइल, ठीक है, ये सब आते हैं इसके अंदर, देख सकते हैं आप, स्नेक हो गया, ये रेंगने वाले, रेंग कर चलते हैं, मतलब भागते नहीं है, ये जमीन के साथ 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 चलते हैं हमेशा बस, ठीक है। उसके बाद देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन होते हैं? वो जानवर जो कि जमीन पर रहते हैं, ठीक है। माइग्रेशन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे इस लेसन में। माइग्रेशन क्या होता है? कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं,
ठीक है, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। जैसे अगर कहीं सूखा पड़ने वाला तो जानवर वहाँ से चले जाते हैं, कहीं बारिश होने वाली है तो जानवर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ जानवर होते हैं जो कि एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं वो। ठीक है, ये लेसन में हम बहुत अच्छा लेसन है एनिमल्स के बारे में। अगर आप लेसन को सही से पढ़ेंगे तो आप एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। ठीक है, उनके तरीके जान पाएंगे, खाने के, चलने के, उड़ने के। ठीक है, उनकी बॉडी किस तरह से बनी हुई है, उनकी बॉडी डिज़ाइन किस तरह से है। ठीक है, किस तरह की उनकी खासियत होती है उनकी बॉडी की, ये सब चीज़ें आप इस लेसन में बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे, अगर आप इस लेसन को बड़े ध्यान से समझेंगे तो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आज का काम, मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट कीजिएगा, और इस लेसन को भी रीड करना है आपको। ठीक है, अच्छे से रीड करना है इस लेसन को, और वर्कशीट में बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से करनी है, वो भी आप कंप्लीट करना। ठीक है, तो ये है वर्कशीट आपके लिए। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, आपको एनिमल्स के नाम बताने हैं, कौन कौन से, विच कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं, ऐसे 5 एनिमल्स, विच कैन स्विम, जो तैर सकते हैं, ऐसे 5 एनिमल्स, विच कैन क्रॉल, जो रेंग सकते हैं, ऐसे 5 एनिमल्स, विच कैन वॉक, जो चल सकते हैं, ऐसे 5 एनिमल्स के नेम, और विच कैन लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, और ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं 5। ठीक है, जो जल्दी से इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में अपने आंसर सेंड कीजिए मुझे जल्दी से। ठीक है, रफ कॉपी में नोट करके इसके आंसर की फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कीजिए वर्कशीट। ठीक है, और फिर अपना नाम जरूर लिखिएगा पेज के ऊपर, पेज के अपना नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, जल्दी से इसको कंप्लीट करके सेंड करिए, और इस लेसन को अच्छे से रीड करना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया सभी को आपका काम आज का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।